Now let us go for the next part where we will discuss on the derivation of capillary. इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको कैपिलरी एक्शन के बारे में बताया. क्या होता है कैपिलरी एक्शन? जब भी आप कैपिलरी ट्यूब को किसी भी लिक्विड में डिप करते हो, आइदर लिक्विड का लेवल उसमें राइज हो जाता है या फिर लिक्विड का लेवल उसमें फॉल हो जाता है. ओके, सो दिस इज कैपिलरी एक्शन. ये डेरिवेशन जब मैं करूंगा तब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है. ओके, कौन सा फोर्स लिक्विड को राइज कराता है, फॉल कराता है, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड. एंड वी आर गोइंग टू डिराइव अ फॉर्मूला फॉर द राइज, कि कौन से हाइट तक लिक्विड राइज होगा कैपिलरी में. मतलब कैपिलरी में डालने के बाद लिक्विड कौन से हाइट तक जाएगा. लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय यूजिंग दिस डेरिवेशन. ठीक है, तो चालू करते हैं डेरिवेशन ऑफ कैपिलैरिटी. तो बात करते पहले, मैंने एक बीकर लिया और उस बीकर में मैंने कैपिलरी डाला. लेट अस से आप देख सकते हो जो यहां पे वाटर मैंने डाला हुआ है, दैट इज पार्शियली वेटिंग द सॉलिड, तो गारंटीडली लिक्विड का लेवल राइज होगा. जो लिक्विड पार्शियली वेट करता है उसमें लेवल राइज होता है, जो लिक्विड वेट नहीं करता कैपिलरी में उसकी लेवल फॉल हो जाती है. ओके, तो यहाँ पे गारंटीडली लेवल राइज होगा, तो लेट अस से लेवल राइज हो गया. ओके, तो कैपिलरी में देखो आप पानी का लेवल राइज हो गया, तो कौन से हाइट तक गया, लेट दैट हाइट बी एच, हमें वो फाइंड करना है. ओके, तो एच, लेट एच बी दी हाइट ऑफ द कैपिलरी. ओके, दैट व्हाट आई विल कंसीडर. चलेगा? अभी बच्चों ऊपर का जो सरफेस है, ठीक है, लिक्विड के सरफेस का बिहेवियर क्या है? इट ऑलवेज ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स सरफेस एरिया, स्क्वीज करने का कोशिश करते हैं. लिक्विड हमेशा खुद को स्क्वीज करने का कोशिश करती है. सरफेस टेंशन, जब से स्टार्ट हुआ सरफेस टेंशन, टेंशन इतना आपको लोगों को टेंशन आ गया रहेगा, पर स्टार्टिंग का पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि सरफेस टेंशन में लिक्विड बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन एंड ट्राई टू स्क्वीज इट सरफेस एरिया. तो उस चक्कर में ये जो ऊपर वाला जो टॉप सरफेस है आप देख सकते हो, वो क्या करता है, वॉल को पुल करता है, वॉल के ऊपर फोर्स लगाता है ड्यू टू सरफेस टेंशन. ठीक है, तो वो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं. लेट अस से दैट फोर्स इज टी. ओके, तो मैंने दोनों फोर्सेस आपको बताए, एक्चुअली दो नहीं है, वो ट्यूब पूरी तरह से समझा, पूरे पूरे सरफेस के साथ कांटेक्ट में, पूरे एक सर्कमफेरेंस कांटेक्ट में, पर अभी डायग्राम में दिखाने के लिए अपन दो ही फोर्स दिखाते हैं. ओके, मैं प्रिसाइसली आपको आगे जाके बताऊंगा कि एक्चुअल में फोर्स कैसे लग रहे, बट राइट नाउ आप दो फोर्स दिखाओगे दो कॉर्नर में तो भी चलेगा. तो ऐसे फोर्स ड्यू टू सरफेस, पर याद रखो फोर्स सिर्फ ये और ये कॉर्नर पे नहीं लग रहे. ठीक है, ये पूरा ऐसा एक सरफेस बना हुआ है तो सब जगह पे फोर्स लग रहा है, समझा, एवरीवेयर देयर इज अ फोर्स. दिखाते को अपन कितने दिखा रहे, दो ही दिखा रहे. ओके, अभी टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन. ओके, तो गारंटेडली वॉल भी फोर्स लगाएगा, है ना, तो वो आउटवर्ड रहेगा, लेट दैट बी टी इटसेल्फ. ठीक है, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन ऊपर का जो सरफेस है, ऊपर का जो मेनिस्कस है, लिक्विड ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, ये चक्कर में वो वॉल पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, एंड दैट इज गिवन बाय टी. ओके, ना मतलब वॉल को पुल करेगा, पुल करेगा दैट इज एक्शन, तो एक रिएक्शन भी आ गया. ठीक है, पुल किया दैट इज एक्शन, तो एक क्या आ गया, रिएक्शन आ गया, वो टी है. ठीक है, अभी बच्चों जो अंदर वाला मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, अंदर वाला जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, टी, वो सॉलिड के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. तो लेट अस से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे है थीटा. क्या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? थीटा. तो मैंने ड्रॉ किया, अभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ऊपर वाले एंगल भी थीटा बन जाएंगे, है कि नहीं, ऊपर वाले एंगल दोनों थीटा बन गए. देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ऊपर वाले भी दोनों क्या हो गए, थीटा हो गए. अब जो बाहर वाले फोर्सेस है जो वॉल पे लग रहे उनको मैं रिजॉल्व करता हूँ दो कंपोनेंट में. ठीक है, along x-axis and along y-axis, so you can understand vertical force t cos theta हो जाएगा और horizontal force t sin theta हो जाएगा. बच्चों t sin theta equal and opposite है, guaranteed they will cancel each other और t cos theta add up होगा, पर वो दो force नहीं, ऐसे कई force है. तो ये बात आपको समझनी है कि force पूरे circumference पे लग रहा है. ठीक है, तो horizontal force सारे cancel हो रहे हैं, resultant horizontal force कितना होने वाला है, zero. रिजल्टेंट कितना होने लगा, जीरो. अगर आप देखोगे तो ऐसा पूरा सर्कमफेरेंस है और देखो ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं, आप देख सकते हो ये ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं. ठीक है, तो ये सारे टी साइन थीटा ऐसे लग रहे हैं, मतलब दो फोर्स नहीं, पूरे सर्कमफेरेंस पे फोर्स लग रहा है, तो गारंटेडली
वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो याद रखो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, टी साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी बच गए वर्टिकल फोर्स, टी कॉस थीटा, पर दो है क्या, नहीं, पूरे सर्कमफेरेंस पे लग रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझना है कि पूरे सर्कमफेरेंस पे लग रहे, देखो ऐसे, ओके, ऐसे पूरे सर्कमफेरेंस पे लग रहे टी कॉस थीटा। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा इंटू टू पाई आर, दैट इज दी टोटल अपवर्ड फोर्स। तो टोटल ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है पूरे सर्कमफेरेंस पे लग रहा है, सिर्फ दो नहीं लग रहे हैं, बोल रहा हूं पूरा मेनिस्कस ऐसे गोल है, एक टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो एक सर्कमफेरेंस दिखेगा। वैसे कैपिलरी भी मतलब क्या है, एक पतला वाला ट्यूब ही है, तो ऊपर एक पूरा ऐसा मेनिस्कस फॉर्म हुआ है, एक पूरा 2 पाई आर फॉर्म हुआ है। तो ऊपर की तरफ फोर्स सारे कितने लग रहे हैं, टी कॉस थीटा, ठीक है। फिर से लास्ट टाइम बता रहा हूं मैं आपको क्या कर रहा हूं, लिक्विड का जो सर्फेस है इट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, ओके, फर्स्ट पॉइंट, लिक्विड का जो सर्फेस है विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के चक्कर में वॉल पे पुल करेगा, वॉल को पुल करेगा फोर्स ड्यू टू सर्फेस टेंशन टी, एक्शन रिएक्शन, बाहर के टी आ गए, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है, मैंने थीटा एडजस्ट किया, ओके। पर ये दो फोर्स नहीं है, याद रखो पूरे सर्कमफेरेंस पे ऐसे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, पूरे मेनिस्कस पे ऐसे, मेनिस्कस के सर्कमफेरेंस पे पूरा फोर्स लग रहा है, ओके। चलो मैंने समझने के लिए दो ही ड्रॉ किया, फिर मैं उसको रिजॉल्व करता हूं, अपवर्ड कंपोनेंट टी कॉस थीटा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, बच गए अपवर्ड कंपोनेंट दैट इज टी कॉस थीटा, और पूरे सर्कमफेरेंस पे लग रहा है, तो पूरे सर्कमफेरेंस पे लग रहा है, तो टोटल इफेक्ट पूरे सर्कमफेरेंस पे आ रहा है, और वो है टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर। आई होप दिस इज द मेन पॉइंट जिसके ऊपर से लिक्विड राइज होता है। अभी पानी उसमें राइज हो गए, लिक्विड उसमें राइज हो गए मतलब कोई तो फोर्स उसको ऊपर लेके जा रहा है, बराबर कि नहीं, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस हमने पढ़ा, पर फोर्स कोई तो उसको ऊपर लेके जा रहा है, तो कितना फोर्स लिक्विड को ऊपर लेके जा रहा है, दैट इज टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर। तो ये नोट डाउन करो अच्छे से, जो फोर्स लिक्विड को ऊपर लेके जाता है बच्चों वो है टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर। अभी लिक्विड को ऊपर लेके जा रहे हैं, कैपिलरी में लिक्विड राइज हो रहा है, 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 क्या राइज होते ही रहेगा क्या, क्या कैपिलरी से बाहर आ जाएगा क्या, नहीं। जैसे लिक्विड का लेवल राइज हो रहा, जो लिक्विड का कॉलम ऊपर ऊपर जा रहा है वो अपना वेट भी तो लगाएगा नीचे की तरफ, दिमाग लगाओ, जैसे लिक्विड का कॉलम ऊपर जाएगा, जैसे लिक्विड का कॉलम ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर वेट लगेगा नीचे की तरफ, क्योंकि उसका वेट बढ़ रहा है ना, अभी वो लिक्विड ऐसे सरफेस पे था, फिर जैसे कैपिल डाला तो क्या हो गया, ऐसे लेवल राइज हो रहे, राइज हो रहे, राइज हो रहे, ऐसे लेवल राइज होते गए, तो जो कॉलम बढ़ रहा है वो वेट भी तो लगाएगा नीचे की तरफ, तो अभी वेट नीचे की तरफ लगना चालू हो गया, ऊपर की तरफ उसको कौन लेके जा रहा है, टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई, टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, टी कॉस थीटा 2 पाई, टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई पूरे सर्कमफेरेंस पे लग रहा है फोर्स, तो टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई ऊपर ऊपर लेके जा रहा है, टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई ऊपर ऊपर लेके जा रहा है, और वेट उसको बैलेंस कर रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वेट और टी इनटू 2 मतलब ये जो फोर्स ऊपर लेके जा रहा है टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, उस पॉइंट पे लिक्विड आके रुक जाएगी, मतलब लिक्विड राइज होके आके किसी पॉइंट पे रुक जाती है, लिक्विड राइज होके किसी पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, किसी पॉइंट पे आके क्यों रुक जाते हैं, क्योंकि ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स से क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो नीचे कौन सा फोर्स लगता है बच्चों, नीचे उसका लगता है वेट, ओके। तो मैं दिखा रहा हूं डायग्राम में, देखो वेट नीचे की तरफ लग रहा है और ऊपर की तरफ लग रहा है टी कॉस थीटा, जब इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे तो लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इट विल स्टॉप मूविंग अपवर्ड, ठीक है। बहुत अच्छे से एकदम वापस एक बार दिमाग में रखो कि ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लेके जा रहे हैं, टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर, पूरे सर्कमफेरेंस पे फोर्स लग रहा है, ये तो आपको समझा, और उसको रोक कौन रहा है, वेट, क्योंकि जैसे लिक्विड का लेवल राइज होएगा वेट नीचे की तरफ आएगा और वेट उसको क्या करेगा, रोकेगा, वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा, तो वेट नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जो ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, दैट टाइम बच्चे लोग वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा राइज होने से, ठीक है। तो अभी लिक्विड इक्विलिब्रियम में, अभी अच्छे से राइज हो गई, हाइट एच अटेन हो गया उसका, ठीक है। तो इस पे हम इसको सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं, तो 2 पाई आर इनटू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट का फॉर्मूला हमेशा हम लिखते हैं mg, वेट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, mg, तो मैंने mg लिख दिया। मास को क्या लिखेंगे बच्चों, मास को हम लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, पढ़ा है ना अपन ने मास का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मास के बदले अपन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डाल सकते हैं, तो v रो g हो जाएगा। वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर h, सिलेंडर ना वो एक सिलेंडर का शेप की तरह, पाई मतलब एरिया इनटू h, पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया, तो एरिया इनटू h लिखो या फिर डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर h लिखो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, वॉल्यूम इज एरिया इनटू h
एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो एरिया का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पाई आर स्क्वायर एच रो जी, है ना। तो ये सारे वैल्यूज मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। लाइक टर्म कैंसिल कर दो, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर आर कैंसिल हो जाएगा। अपने को क्या चाहिए, हाइट चाहिए, तो हाइट को एक जगह पे रख दो, बाकी सब उधर लेके जाओ। तो एच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टू टी कॉस थीटा अपॉन एच रो आर रो जी, टू टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। तो ये फॉर्मूला अपन आराम से बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझा ना, तो इसमें कुछ है ही नहीं डेरिवेशन में, ठीक है। याद रखो, लिक्विड जब राइज होता है पुल करता है वॉल को, एक्शन आ गया, टी को रिजोल्व कर दिया, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, सारे टी साइन थीटा कैंसिल हो गए, टी कॉस थीटा क्या कर रहे हैं, लिक्विड को ऊपर लेके जा रहे हैं। पर टी कॉस थीटा दो ही फोर्स है क्या, डायग्राम में दो ही दिखाए थे, नहीं, पूरे सर्कमफेरेंस पे लग रहे हैं, पूरा जो कॉन्टैक्ट है उस पर लग रहे हैं। तो टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर उसको क्या कर रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, बस आपको ये याद रखना है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर, दिस फॉर्मूला यू रिमेंबर, ओके। एंड दिस इज अ फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ ए लिक्विड कॉलम, ओके। प्लीज नोट डाउन करो इसको अच्छे से, बहुत आराम से, और एक बार वापस देख लो कैसे किया है सॉल्व, कॉन्सेप्ट समझ लो। ये हाइट है लिक्विड कॉलम का जो उसने अटेन किया है, ठीक है, इन ए कैपिलरी फॉर्मूला। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, इट इज 2t cos थीटा अपॉन r rho g, क्या है 2t cos थीटा अपॉन r rho g। अभी इसके सम सॉल्व कर सकते हैं अपन बिंदास आराम से, ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।